हेलो प्लसन क्लास, कैसे बेटा? द लास्ट टॉपिक जो था हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स, जो हमने करी थी पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस, इस क्लासिफिकेशंस को या पीरियोडिक टेबल को हम नाम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और इसमें ये एटॉमिक नंबर के बेस पे थी, और इसके अंदर बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी गिवन है, सर लास्ट ग्राउंड वाला, ग्राउंड इलेक्ट्रॉन्स, ग्राउंड स्टेट आउटर इलेक्ट्रॉन, और 1 to 18 ग्रुप्स हैं। ये 1984 IUPAC के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशंस हैं। IUPAC मीन्स इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसमें कुछ ओल्ड नोटेशन भी गिवन हैं, अगर हम इस टेबल के ऊपर देखें रोमन के अंदर, जैसे 1A, 2A, 3A, ये क्लासिफिकेशन थी। फिर 7A के बाद ये 8th एलिमेंट थे, इनमें ट्रिपलेट फॉर्म में चल रहे हैं यहाँ पर, आयरन, कोबाल्ट, निकल, रोहिनियम, रोहिडियम, पहले PD और उसमें मेरिडियम PT। तो यहाँ से शुरू होता है I1B, 2B से लेकर ये हमारे 7B तक, और फिर आता है जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप मीन्स 18 ग्रुप। ये वाली जो जो रोमन्स में लिखे हुए हैं, ये सिर्फ कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ही मायने रखती है। बाकी जो अब हम बात करते हैं वो ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, जो 1 to 18 हम नंबरिंग ही बताते हैं ज़्यादातर। जैसे कि हमने बेटा बोहर मॉडल्स के बारे में, अभी जो पीरियोडिक टेबल के बारे में बोला था, इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या इसको बोहर टेबल का भी नाम दिया जाता है। ये वो टेबल जो है ज़्यादातर इन दिनों सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। पर इस टेबल की खासियत क्या बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर है। और इसको डेटिल कॉन प्रेजेंट फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म, या इसको बोहर टेबल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बोहर ने इसको सबसे पहले अरेंज करा था। बताने वाले प्रपोजल था वो मोजले था, पर बताया था उसने, पर बोहर ने इसको, नील बोहर ने इसको बनाया था। जो फीचर ऑफ लॉन्ग फॉर्म टेबल या पीरियोडिक टेबल का, अगर हम बात करें, वर्टिकल कॉलम जिसको हम नाम बोलते हैं, वो ग्रुप्स या फैमिली भी बोलते हैं, ये कितने थे बेटा, 1 to 18, 1 to 18। जो हॉरिजेंटल रो था उसमें बोलते हैं पीरियड्स, ये कितने थे, 1 to 7। हॉरिजेंटल मीन्स जो ऐसे चल रहे थे, और वर्टिकल जो ऊपर से नीचे आ रहे थे। जो ग्रुप होते हैं 1 to 18 वर्टिकल कॉलम्स, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। अगर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक, जैसे इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल में जा रहा है बेटा, वो पूरी स्कीम में, पूरे जो नीचे वाले एलिमेंट हैं उनमें भी एलिमेंट सेम नीचे जाने शुरू हो जाएंगे। अगर हम बात करें पीरियड्स की, 1 to 7 हॉरिजॉन्टल रो, यहाँ पर जो पीरियड्स में जो नंबर है, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगाता है बेटा, बढ़ता चला जाता है। और जैसे फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट आते हैं, फिर सेकंड में 8, फिर थर्ड में 8, 18 18, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये ज़्यादातर हम मैजिक नंबर भी इसको यूज करते हैं सिर्फ फर्स्ट ग्रुप के लिए। और अगर हम बात करें फर्स्ट पीरियड में सिर्फ मैक्सिमम 2 ही एलिमेंट आते हैं, फिर 8 8, फिर 18 18, फिर 32। और सेवन जो पीरियड था उसमें भी कितने आते बेटा, 32। पहले क्या लिखा होता था, डेट इज़ द इनकम्प्लीट। अब कितने एलिमेंट आ चुके हैं, 32, डेट कम्प्लीट हो चुकी है ये वाली पीरियोडिक टेबल, जिसमें सेवन पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स आएंगे। तो बेटा इस टेबल में 14 एलिमेंट्स हैं 6th पीरियड के अंदर, बट जो लेंथनोइड्स, जो 6th पीरियड में जो एलिमेंट है लेंथनोइड्स बीच में आ जाते हैं 14, तो टोटल मिला के कितने होते हैं, 32। इसी तरह 7th पीरियड में भी एक्टिनोइड एलिमेंट्स थे, तो 32। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट में बेटा ये सबसे ऊपर है, एक हाइड्रोजन रहेगा, एक हीलियम रहेगा, कितने होंगे बेटा, 2 एलिमेंट्स। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड पीरियड में, टोटल आते हैं बेटा 8, लिथियम से लेकर यहाँ पर नियोन तक 8 एलिमेंट हैं। उसके बाद फिर दोबारा से 8 एलिमेंट हैं थर्ड पीरियड में, सोडियम से लेकर आर्गन तक। उसके बाद आता बेटा 18 फोर्थ में, फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स का काउंट करके देख लेना आप। फिर 6th पीरियड में यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर 18 एलिमेंट्स सारे, पर यहाँ पर देखो 57 to 72 हैं। जो बीच वाले एलिमेंट, जो गैप है बेटा, वो गैप को किसने पूरा करा, लेंथनोइड में, 58 से लेकर कहाँ तक, 71 तक। ये कितने एलिमेंट हो गए बेटा, 14। 18 ऊपर हो गए, 14 नीचे हो गए, कितने हो गए, 32। तो ये वाले एलिमेंट, इनका बेटा कोई भी ग्रुप नंबर नहीं है, ये बात ध्यान देना, ये इनके बीच के एलिमेंट हैं, इनको सिर्फ पीरियड्स नंबर दिया जाता है, वो भी 6, और ग्रुप नंबर इनका नहीं है। और सेवन्थ में भी सेम यही, 89 से जो बीच में गैप है 104 तक, ये 90 to 103 लवारेंसियम, थोरियम से लवारेंसियम,
ये भी 14 एलिमेंट हैं, तो 18 एलिमेंट ऊपर हो गए, 14 इनके बीच का जो गैप है वो नीचे है, दैट इज कॉल्ड एक्टिनोइड। तो टोटल बेटा कितने हो गए, 32 एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल्स की डिटेल है, और जो भी ट्रिक आपको पहले वीडियो में बताई है उसको अच्छी तरह कर लेना। इसके बाद हम बात करेंगे अगर एलिमेंट 100 के बाद आता है उसका नाम कैसे दिया जाएगा। कुछ कंट्रोवर्सी रही है सिंबल के ऊपर, जैसे एक एलिमेंट है 104, ये एक अमेरिकन और एक सोवियत साइंटिस्ट ने क्लेम करा कि हमने डिस्कवर करा है 104। अमेरिकन साइंटिस्ट कहते हैं इसका नाम रदरफोर्डियम हम पुट करेंगे, और सोवियत वाले बोलते हैं करचेटोवियम। तो कंट्रोवर्सी थी, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए IUPAC ने नॉमनक्लेचर की शुरुआत करी थी, वो हम नीचे बताएंगे आपको। पर एक एलिमेंट और भी है 107, इसका नाम कुछ कहते हैं नील्स बोरियम रखेंगे, नील्स बोरियम NS सिंबल देंगे, और कुछ बोले सिंपली बोरियम रखेंगे। तो सबके विचार अलग अलग थे, तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी जो शुरू हुई थी उसको ख़त्म करने के लिए पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट 100 के बाद जो भी एलिमेंट होगा उसकी जो नॉमनक्लेचर है विद द हेल्प ऑफ CNIC मींस कमीशंस ऑन नॉमनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तहत दी जाएगी। ये एक तरह से IUPAC का एक स्मॉल ब्रांच थी जिसमें जो एलिमेंट की नेमिंग कैसे दी जाएगी। देखो पहले आपको कुछ सिंबल याद रखने पड़ेंगे, 0 to 9 तक रूल है। 0 को हम नील बोलेंगे, 1 को वन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, क्वेड, 5 को पेंट, 6 को हैग, सेप्ट, ऑक्ट और EN। ठीक है बेटा, अब देखो इनके सिंबल दे रखे हैं UNUBTQPHSOE। अब इनके पीछे जो लगाया जाता है सफिक्स वी IUM, हर पीछे IUM लगेगा। जैसे मान लो 100 का नाम क्या हो, देखो 1 का क्या है अन लिख दो, 0 का नाम क्या है नील, फिर नील लगा दो, फिर 0 है नील, पीछे क्या लगाएंगे IUM, तो अन नील नीलियम। इसका सिंबल क्या होगा, पहला है अन का यू, फिर इसका नील का एन, फिर एन, तो इसका सिंबल बेटा UNN। तो इसी तरह से 105 का देखते हैं, तो 1 का अन, 0 का नील, 5 का क्या बेटा पेंट, पेंट के पीछे क्या आ जाएगा IUM, अन नील पेंटियम, फिर अन बाई नीलियम 120 का, 150 मॉडल डिस्कवर होता है फ्यूचर में, तो अन पेंट नीलियम, तो 130 135। इस तरह से आप इन एलिमेंट के सिंबल भी जो नेमिंग है वो निकाल सकते हो। अगर हम पीरियोडिक टेबल में चेक करें कुछ एक एलिमेंट की, जैसे UUT 1 अन अन, और 3 का क्या था ट्राइयम, तो UUT इसका सिंबल है, फिर UUP अन अन पेंटियम, फिर अन अन सेप्टियम, अन अन ऑक्टियम। तो ये एलिमेंट को नाम देने की प्रक्रिया थी ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो अकॉर्डिंग टू CNIC। ठीक है बेटा।